हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस महान चित्रकार की जिसने इटली की हाई रेनेसा जो युग था उसमें अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इटली की अगर हम हाई रेनेसा पीरियड और हाई रेनेसा पीरियड की खासकर बात करते हैं तो तीन चित्रकारों का, कलाकारों का नाम प्रमुखता से आता है। उसमें एक लियोनार्डो दा विंची, दूसरे माइकल एंजिलो या मिकेल एंजिलो, और तीसरे इन दोनों से छोटे किंतु प्रतिभा में कहीं भी कम नहीं, राफेल सेंजियो। राफेल सेंजियो जो कि इटली की हाई रेनेसा पीरियड के सबसे युवा चित्रकार के रूप में उभर के आए, और इनका जो जीवन काल था बहुत कम रहा, इनके लाइफ स्पैन बहुत कम था। और 1483 में इनका जन्म हुआ था और 1529 में इनकी मृत्यु या डेथ हो गई थी। तो बड़ा इनका वर्किंग जो पीरियड था, जो कार्य करने के जो इनका काल था, वो काफ़ी कम था, परंतु इनकी प्रतिभा में और इनकी प्रसिद्धि में कहीं कोई कमी नहीं थी। अगर हम बात करते हैं लियोनार्डो और माइकल एंजिलो जैसे धुरंधर कलाकारों की, और उनके सामने इतना युवा चित्रकार, इतना युवा कलाकार उनको बराबरी की टक्कर देने में समर्थ हुआ, और बहुत ही कम समय में, क्योंकि ये दोनों लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजिलो या मिकेल एंजिलो, ये दोनों ही इनसे उम्र में काफ़ी बड़े थे। और नेचुरली आर्ट ऐसी फील्ड है जिसमें एक्सपीरियंस बहुत बड़ा रोल अपना अदा करता है। और दोनों का ही, लियोनार्डो दा विंची की अगर बात करें तो बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न थे। ऐसा कौन सा क्षेत्र था जिसमें उन्होंने काम नहीं किया? और मिकल एंजिलो जो कि मेनली तो स्कल्प्टर थे, पर स्कल्प्टर होते हुए भी उन्होंने जो वेटिकन सिटी के सिस्टीन चैपल की जो सीलिंग पे, छत पे जो काम किया, जो पेंटिंग की, वो उनको विश्व कला के इतिहास में अमर कर दिया। तो और इसके अलावा आर्किटेक्ट थे, पोएट थे। अब ऐसे प्रतिभाशाली दो प्रतिद्वंदियों के सामने एक यंग आर्टिस्ट निकल के आया और उसने धूम मचा दी उन दिनों। और अगर हम राफेल की बात करें तो उनकी सफलता और उनकी कला को निखारने में कहीं ना कहीं लियोनार्डो दा विंची और मिकल एंजेलो की कला का भी हाथ रहा है। वो दोनों को उन्होंने काम करते हुए देखा अपने जीवन काल में। जब फ्लोरेंस में जो संग्राम हॉल के लिए जो युद्ध के जो दो ड्राइंग्स बनाने थे, जो चित्र कार्टून्स बनाने थे, और उन दोनों को बनाते हुए राफेल ने उन दिनों उनको वहाँ कार्य करते हुए देखा। तो उन दोनों की अपनी अपनी कार्य क्षमताएँ थी, अपनी अपनी विशेषताएँ थी। जो लियोनार्डो दा विंची, जहाँ उनके पोर्ट्रेचर में उन्होंने जो अपनी विशेषताएँ दिखाई थी, उसके अलावा जो माइकल एंजिलो है तो शरीर रेखांकन में, ड्राइंग्स में, खासकर न्यूड्स में जो उनकी पकड़ थी, वो दोनों ही चीज़ें उन्होंने बड़ी खूबी से राफेल ने अपनी कला में उतारा। राफेल की अगर हम बात करें तो उनकी सबसे अच्छी खूबी ये थी कि वो ऑब्जर्व करके, उन दोनों कलाकारों को उन्होंने देखा और काम, उनका काम देखा, और उन काम को ऑब्जर्व करके उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा। माइकल एंजिलो तो यहाँ तक कहते थे कि आज तुम जो भी काम कर रहे हो उसमें मेरा हाथ है, वो तुम मेरी वजह से कर रहे हो। हालांकि उनका प्रत्युत्तर यही था कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है, या ईश्वर के मार्गदर्शन से हो रहा है, या उनकी ब्लेसिंग से हो रहा है। दोनों काफ़ी कड़े प्रतिद्वंदी थे, और जब वेटिकन सिटी में उन्होंने, दोनों ने एक समय ऐसा आया जब मिकेल एंजिलो तो ऊपर छत का काम कर रहे थे, सीलिंग पे पेंट कर रहे थे, और पोप जूलियस सेकंड ने राफेल को बुला के, और वहाँ स्टेंजी जो उनका अतिथि गृह था उसमें और लाइब्रेरी में उन्होंने उनसे चित्र बनवाए,
और जो राफेल थे उस समय उनको काम करते हुए देखा उन्होंने, और उन दोनों की आपस में वसारी के अनुसार मुठभेड़ भी हुई, एक दो बार मुठभेड़ से मतलब वार्तालाप हुआ, एक दूसरे के काम के प्रति उनकी बातचीत हुई, जिसमें एक दूसरे को प्रतिद्वंदी के रूप में उन्होंने देखा। तो आज जो हम बात करेंगे वो राफेल के व्यक्तित्व और उनके जीवन के बारे में ब्रीफ पढ़ेंगे या जानेंगे, क्योंकि उनकी चित्रों के बारे में बात करने के लिए हमें एक और लेक्चर देना पड़ेगा जिसमें हम उनके चित्रों की डिटेलिंग के बारे में बात करेंगे। तो जैसे मिकल एंजिलो या माइकल एंजिलो को स्कल्प्टर हु पेंटेड कहा जाता था। स्कल्प्टर हु पेंटेड इसलिए कहा जाता था कि बेसिकली वो एक मूर्तिकार के रूप में थे, प्रसिद्ध थे, परंतु उनको पेंटिंग का कार्य भी दिया गया और वो उन्होंने बखूबी निभाया। तो उसी तरह अगर हम राफेल सेंजियो की बात करते हैं तो उनको एक डिवाइन पेंटर कहा जाता है। तो इनका जन्म जैसा मैंने बताया उर्बिनो या अम्ब्रिया में 1483 में इनका जन्म हुआ, और इनके पिता जो थे वो भी आर्टिस्ट थे, एक आर्टिस्ट और वहाँ के कोर्ट में पेंटर थे, शिक्षक भी थे, कला शिक्षक के रूप में भी हम जानते हैं उनको। और उन्होंने इनको शुरुआती दिनों में शिक्षा दी, परंतु इनका दुर्भाग्य था कि 11 वर्ष की उम्र में उनके पिता का निधन हो गया, देहांत हो गया, और जो बाद में ये अम्ब्रिया में जो पेरुजिनो उनके पास गए और वहाँ कला का अध्ययन किया। पेरुजिनो के अलावा टिमोटियो विती और पिंतुरिक्यू ये भी इनके कलागुरु रहे, और इनसे इन्होंने कला के बारे में शिक्षा ली। अगर हम पेरुजिनो की बात करते हैं तो पेरुजिया जहाँ पे उन्होंने वहाँ पे भी उन्होंने काम किया, तो ये वहाँ अम्ब्रिया और जो खासकर अम्ब्रिया उर्बिनो की बात करते हैं तो वहाँ का प्राकृतिक वातावरण बड़ा सुंदर था। तो जहाँ फ्लोरेंस में प्रकृति इतनी मेहरबान नहीं थी, वहीं अम्ब्रिया में प्रकृति बहुत सुंदर थी, और राफेल ने और पेरुजिनो ने दोनों ने ही अपने चित्रों में प्रकृति को बहुत स्थान दिया। लैंडस्केप ब्यूटी जो है उनके चित्रों में नज़र आती है। उसके अलावा जो पेरुजिनो ने जो पर्सपेक्टिव पे काम किया था, स्पेस पे जो काम किया था, उसी को आगे लेकर उनसे सीखते हुए राफेल सेंजियो ने भी उनके शैली को आगे एक तरह से अडप्ट करके बढ़ाया। और उनके अगर हम चित्रों की बात करते हैं तो दो तीन विशेषताएं मुख्य रूप से, जिसमें समूह चित्रण, ग्रुप्स जो वो पेंट करते थे उसमें उनकी महारत रही। ग्रुप्स का जो उनका जो कंपोजिशन होता था वो इस तरह से होता था, इतना स्वाभाविकता लिए हुए होता था कि कहीं पे भी उस पर ऐसा नाटकीयता नज़र नहीं आती थी, बिल्कुल नेचुरल। और क्योंकि ग्रुप कंपोजिशन में स्पेस की बहुत वैल्यू होती है, अगर हमने स्पेस का प्रॉपर यूज़ नहीं किया, कहाँ उसको फिल करना, कहाँ उसको एम्प्टी स्पेस या नेगेटिव स्पेस का यूज़ करना है, वही पेंटिंग की संयोजन की कंपोजिशन की ब्यूटी को दिखाता है। तो उन्होंने स्पेस का बहुत अच्छा यूज़ किया, आपके समूह चित्रण या ग्रुप पेंटिंग्स में बहुत अच्छा उनका उपयोग किया। उसके अलावा जो नारी चित्रण है, विमेन फिगर्स को, जिसमें उन्होंने मैडोना चित्रण में उन्होंने बहुत प्रसिद्धि पाई, उन्होंने बहुत अपने आप मतलब मैडोना कम से कम 15 तो उन्होंने अम्ब्रिया में ही पेंट की थी, और फ्लोरेंस में, और उनकी मैडोना ऑफ द गोल्ड फिंच और मैडोना एंड चाइल्ड ये सीरीज या इस विषय को लेकर उन्होंने बहुत काम किया। और उनकी जो माँ मेरी जो होती थी वो बड़ी कंवर मतलब उसमें वर्जिनिटी नज़र आती थी जैसा कहते भी हैं, तो उसमें कोमलता, सहजता और नारी सुलभ प्रेम ये सब चीज़ें उनके व्यक्तित्व में जो उनकी चित्रित मैडोनास में पाई जाती थी। तो मैडोना की वजह से उनकी ख्याति हुई, समूह चित्रण की वजह से भी ख्याति हुई। और जो रोमन पीरियड में उन्होंने काम किया जो कि हाई जिसकी वजह से हाई रिनासा
पीरियड के वो कलाकार जानते हैं, जाने जाते हैं, उसमें जो उन्होंने स्कूल ऑफ एथेंस है उससे वो उस चित्र से उनकी काफ़ी ख्याति हुई। मतलब उनकी ख्याति जब ये एम्ब्रे में काम कर रहे थे और एम्ब्रे से फिर फ्लोरेंस में आए तो इसी इनके प्लेस के हिसाब से इनके कार्यों जो वर्किंग पीरियड है उसको तीन भागों में हम बांट सकते हैं। जैसे 1500 to 1504, 1500 से 1504 तक इन्होंने अम्ब्रिया में काम किया तो इनको अम्ब्रियन पीरियड के अंतर्गत लेते हैं, और 1504 से 1508 तक इन्होंने फ्लोरेंस में काम किया तो इस वजह से इनको फ्लोरेंटाइन पीरियड में माना जाता है इनके काम को, उस काम को फ्लोरेंटाइन पीरियड कहा जाता है। और 1508 से मृत्यु पर्यंत ये रोम में रहे तो उस पीरियड को जो है हम रोमन पीरियड कहते हैं। तो इनकी जो शुरुआती कामों में और या जो उनके कामों की विशेषताओं में रेखांकन, समूह संयोजन, स्पेस का अच्छा यूज़, पर्सपेक्टिव, ये सारी चीज़ें इनके इन्होंने बहुत खूबी से बनाई, और यही चीज़ें इन्होंने अपने गुरु जो पेरुजिनो उनसे सीखी थी। और कुछ समय में ही ये जब अम्ब्रियन पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो इतना अपने गुरु के इतने निकट वर्क कार्य के तुलना में इतने समान हो गए थे उनके काम कि जो मैरिज ऑफ वर्जिन पेरुजिनो ने बनाया था उसी विषय को उन्होंने जब पेंट किया तो उससे भी खूबसूरत उनके मैरिज ऑफ द वर्जिन चित्र में नज़र आता है। जो स्पेस का मैं जिक्र कर रहा हूँ, स्पेस का बहुत ही सुंदर उपयोग किया, विजन ऑफ नाइट, क्रूसिफिकेशन, सेंट माइकल, सेंट जॉर्ज, थ्री ग्रेसेस, ये सारे जो हैं ये शुरुआती कामों में से हैं। और प्रकृति का भी काफ़ी बहुत सुंदर प्रयोग इनके चित्रों में रहा था, जो कि माइकल एंजिलो के चित्रों में, क्योंकि वो फ्लोरेंस से थे बेसिकली, और फ्लोरेंस में प्रकृति का इतना सुंदर प्रभाव देखने को नहीं मिलता। तो इस दृष्टि से जो अगर हम दोनों के कामों की तुलना करते हैं तो राफेल के कामों में प्रकृति काफ़ी सुंदरता से नज़र आती है। इसके अलावा जो मैसेचियो की जो चित्रण शैली थी, जो डिस्क्रिप्टिव एक तरह से कहानी बताने वाली, वही शैली राफेल सेंजियो की भी थी। और कलर हारमोनी के प्रति शायद ये इतना संवेदनशील नहीं थे, और इन्होंने जो ऑयल कलर्स का यूज़ भी किया वो इतना परफेक्टली, जैसे अगर हम दूसरे कलाकारों की बात करें तो उसमें वो कलर्स का इतना प्लेजर और वो नज़र नहीं आता। व्यक्ति चित्रों में जैसे इन्होंने, मैंने बताया कि माइकल एंजिलो से और लियोनार्डो से, दोनों से ही बहुत कुछ सीखा। तो लियोनार्डो की मोनालिसा, विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा, तो उसी के समान एक मेडोलोना डोनी नाम का व्यक्ति चित्र बनाया। उसके अलावा एक महिला जिसको घूंघट वाली महिला के रूप में भी जाना जाता है, वह भी इनके प्रमुख व्यक्ति चित्रों में से है। और पोप जूलियस सेकंड, जो कि मिलिट्री पोप के नाम से जाने जाते थे और काफ़ी सख्त मिजाज और काफ़ी रूलर किस्म के थे वो काफ़ी, और उनके चेहरे व्यक्ति चित्रण में उनके जो चेहरे पे हल्का जो क्रूरता का भाव है या जो रफनेस है वो भी हमें उनके व्यक्ति चित्र में नज़र आती है। तो जैसे मैंने बताया कि पहले अम्ब्रियन पीरियड, फिर फ्लोरेंटाइन पीरियड, फिर वहाँ से पोप जूलियस सेकंड का आमंत्रण आया, और उन पोप जूलियस सेकंड के जो प्रमुख आर्किटेक्ट थे उसमें ब्रामाते और दोंतेलो, ये दो प्रमुख आर्किटेक्ट थे, और ख़ासकर ब्रामाते ने एक तरह से राफेल सेंजियो को रेफर किया वहाँ बुलाने के लिए। जब वो गए थे तो लगभग 24-25 साल उनकी उम्र थी, और वसारी के अनुसार जब उनसे पोप जूलियस सेकंड मिले तो उन्हें उनको देख के बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा यंग आर्टिस्ट है, और उम्र पूछी हुई, उम्र बताई, पर ब्रह्माते ने उनको कन्विंस किया नहीं ये बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो उनके जो पोप जूलियस सेकंड की जो लाइब्रेरी है और जहाँ उनका गेस्ट हाउस है
उसमें उन्होंने पेंटिंग्स बनाने को कहा और वो सारे चित्र जो है उनकी प्रसिद्धि का कारण बने। जो उनका रोमन काल है, रोमन पीरियड है, या वो चित्र जो है बहुत उनको प्रसिद्धि की तरफ ले गए, जिसमें कैमरा डेला एलियोडोरा और कैमरा डस सिग्नेचुरा, ये दो सीरीज़ हैं, इनसे संबंधित जो चित्र हैं वो उनको बहुत प्रसिद्धि की तरफ ले गए। और जो स्कूल ऑफ एथेंस है, जिसमें उन्होंने जो रोमन फिलोसोफर्स और आर्टिस्ट को जो है उन्होंने पेंट किया एक तरह से, और वो पीरियड, वो काल, वो उन्होंने उसमें दर्शाया। तो ये सारे चित्र उन दिनों माइकल एंजेलो भी काम कर रहे थे, उनसे उनकी बातचीत हुई, मुठभेड़ हुई। रामाते जो है उनको एक बार चुपके से, माइकल एंजेलो जब काम अधूरा ही था उनका, तो चुपके से उनको वहाँ उनके अपने सिस्टिन चैपल में लेके गए। और वहाँ पे उन्होंने देखा कि जब रैफेल ने उनके काम को देखा तो जो आश्चर्यचकित रह गए, एक तरह से उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और बहुत प्रभावित हुए इनके काम से। और फिर जैसा स्कूल ऑफ एथेंस में जो है एक फिगर कहा जाता है और उसके बारे में पुष्टि भी की जाती है कि जो एक बैठा हुआ फिगर आगे उन्होंने बनाया, वो बाद में बनाया, और एक तरह से उनको सम्मान देने के हिसाब से या उनकी प्रतिभा को दिखाने के हिसाब से उन्होंने वो उनको वहाँ पे पेंट किया है। और बड़ा फिर इनकी उस इनकी लाइफ जो है बड़ी रेलिश, बहुत समृद्ध जीवन दिया। माइकल एंजेलो जहाँ बड़े साधारण रहते थे, वहीं एक राजकुमार की तरह रहते थे। इनका प्रभावशाली व्यक्तित्व था, सॉफ्ट स्पोकन थे, जल्दी से ही एक दूसरों को प्रभावित कर लेते थे। तो इनकी ज़िंदगी एक प्रिंस की तरह निकली है। अच्छा, फिर इन्होंने अपने कुछ स्टूडेंट्स रख लिए थे जो इनकी काम में हेल्प करते थे, एक तरह से स्कूल हो गया था इनका। और उसके अंतर्गत इनको खूब काम मिला, खूब प्रसिद्धि मिली, और पोप जूलियस सेकंड, जो इटली के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से थे, उनका पूरा संरक्षण उनको मिला। और उनके जाने के बाद पोप लियो 10th, उन्होंने भी इनको संरक्षण दिया। और उनका ये जीवन भर अविवाहित रहे, और किसी बीमारी की वजह से अचानक इनकी मृत्यु हो गई। तो पोप लियो 10th जो है इनके पास, इनकी मृत्यु शैया के पास बैठ के काफ़ी रोए, ऐसा भी कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है। तो बड़ा इनका छोटा जीवन काल, पर प्रसिद्धि और काम में कहीं पे भी इन्होंने कमी नहीं रखी। जीवन पर्यंत काम करते रहे, जीवन को अच्छे से जिया। और इनके जो कार्य हैं वो रेनेसांस पीरियड के बहुत चर्चित कामों में से जाने जाते हैं। और इनके जो कार्यों से बाद के कलाकारों की अगर बात करें तो कैरेजियो, रुबेंस, रैम्ब्रा, इन सभी कलाकारों पर भी ये प्रभाव पड़ा है इनका। और इसके अलावा जैसे अगर हम इनकी प्रसिद्धि की बात करें तो जैसे अगर अभी हजात को रैफेल ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, मतलब उनको उपमा दी जाती है उनके नाम से, उनके काम के आधार पे रैफेल ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ मैंने आपको रैफेल के बारे में बताया है। और बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व, और बहुत जल्दी काम करते थे, काफ़ी बड़े बड़े काम करके, और चाहे वो पोर्ट्रेचर हो, चाहे ग्रुप पेंटिंग्स हो, चाहे मैडोना, मैडोनास तो सिस्टीन मैडोनास, मैडोना ऑफ गोल्ड फिंच, बहुत सारी मैडोनास इन्होंने पेंट की। और उसमें नारी सुलभ कोमलता, मोहम्मद जो एक माँ के जो भाव होते हैं, वो सारी चीज़ें उनके चित्रों में नज़र आती हैं। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके वर्क्स के डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, और मास्क पहनते रहें, हाथ को सैनिटाइज़ करते रहें। जैसा पिछले लेक्चर में मैं बोला था
कि सोशल डिस्टेंसिंग की जगह हम फिज़िकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, दैहिक दूरी का ध्यान रखें और सोशल बैंडिंग बनाए रखें, एक दूसरे से सामाजिक रूप से मन से हम जुड़े रहें और एक दूसरे को सपोर्ट करें और अपना ख्याल रखें। बाय।